हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नीलेश कुमार। तो अभी जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वह पार्ट वन, जो कि 17, 22 से 25 है, और रेगुलर और बैकलॉग के भी स्टूडेंट्स जो भी हैं उनका परीक्षा कब से होगी और परीक्षा जो है वह कब से होने वाली है, उनके बारे में ही आज डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वह प्राप्त हो कि आपका एग्ज़ाम जो है वह कब से हो सकती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वारा ही कैलेंडर जारी किया गया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था और सभी का जो एग्ज़ाम है यूजी और पीजी दोनों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है 6 सत्रों में। आप लोग भी जान रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है लिया जा रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पे देख ले जो यहाँ पे दिया गया है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कैलेंडर भी मैंने बताया जो जारी किया गया था पार्ट थर्ड का, जो आप लोग भी जान रहे हैं जो कैलेंडर इसमें दिया गया वही डेट पे एग्ज़ाम भी लिया जा रहा है, जो कि 25 से ही स्टार्ट था और पार्ट थर्ड का 25 से ही एग्ज़ाम लिया गया है। और पार्ट टू का यहाँ पे दिया गया है 21/8 से एग्ज़ाम लिया जाएगा। बट अभी जो मैं बात करने वाला हूँ पार्ट वन के बारे में बात करने वाला हूँ, तो उनका डेट जो है सत्र यहाँ पे देख सकते हैं 22 से 25 है, और एग्ज़ाम का यहाँ पे डेट जो दिया गया है वह 21 अगस्त 2023 से बोला गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है संभावित तिथि दे दिया गया है 21/8 से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और रिजल्ट के बारे में भी दिया गया है जो कि 21 अक्टूबर 2023 को आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख लिए, पार्ट वन के बारे में भी मैंने अभी चर्चा किया था और पार्ट वन के बारे में भी यहाँ पर अंडरलाइन करके मैं बताया हूँ, जो कि 21 अगस्त 2023 से जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा और डेट जो है इनका रिजल्ट का 21 अक्टूबर 2023 तक आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और यह जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वारा ही यह कैलेंडर जारी किया गया था, बट उन्हीं को मैं आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे कि एग्ज़ाम कब से होने वाला है, तो इसलिए मैं आप लोग को जो संभावित तिथि है उनको मैं आप लोग के साथ साझा किया हूँ। और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।